नॉन एसर्टिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर नॉट पॉजिटिव। देखो यहाँ पर ये कैसे है, पॉजिटिव जो नहीं है वही हमारे लिए क्या है, नॉन एसर्टिव है। और ध्यान रखना ये नेगेटिव भी नहीं है, यहाँ पर अगर मैं यूज करना चाहूँ नाइदर नॉर तो यूज कर सकते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव दोनों ही नहीं है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, क्या है ये नॉन एसर्टिव है, तो ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हमने क्या यूज किया, विच यूज किया हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, ये भी हमने थोड़ा पढ़ा था, कौन सा था, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर है। ठीक है आगे चलते हैं, सच प्रोनाउन इस प्रकार के प्रोनाउन है वो किसमें यूज किए जाएंगे, कैन बी यूज्ड Such pronouns can be used for या फिर used in इसके लिए भी यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप लोग यूज करते हैं ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ओके इस प्रकार के प्रोनाउन वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है इनके बारे में हम देखेंगे आगे कौन कौन से, तुम लोग ये बोलोगे सर ऐसे तो क्या नेगेटिव यूज भी होते हैं और इंट्रोगेटिव भी यूज होते हैं तो है मैं बताऊंगा। ठीक है और ये प्रोनाउंस है वो कोई भी फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म हो, दोनों में इनका उपयोग किया जा सकता है। जो जिस प्रोनाउंस है तो सच प्रोनाउंस can be used in singular and plural form। दिमाग में बिठा लेना कि ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है, तो एकवचन और बहुवचन, एकवचन और बहुवचन दोनों में ही इनका उपयोग किया जा सकता है। इनके लिए कोई लिमिटेशन तरह की नहीं कि ये सिंगुलर में ही आएगा या ये प्लूरल में ही आएगा, दोनों जगह इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है अब बात करते हैं आगे की, ये है कौन कौन से, तो उनकी लिस्ट हम ऑलरेडी पर चार्ट बनाया था तब देख चुके हैं लेकिन फिर भी हम वापस देखेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने देखा था एनी की पूरी फैमिली, एनी ठीक है, एनी की पूरी फैमिली क्या था जाना, एनी खुद नहीं आएगा लेकिन Anyone, anybody, or anything, ये mostly negative और interrogative sentences के formation के लिए use में लिए जाने वाले pronouns हैं। किसमें negative और interrogative sentence के अंदर उनको formation करना हो, उनको रचना करनी हो तब उपयोग में लिए जाने वाले pronoun हैं। और इसके सिवा और कोई है क्या है, देखो आइदर का ये पॉजिटिव में भी किया जाता है, नेगेटिव में भी किया जाता है और इंटरवेटिव में भी उपयोग किया, ये कहीं भी उपयोग किया जा सकता है ऐसा है, लेकिन मोस्टली हम इसको अकाउंट इसमें करेंगे। ठीक है अब आगे, अब एक एक करके हम इनको लेंगे, एनीवन एनीबॉडी और एनीथिंग। ठीक है क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एनी वन है ये सिंगुलर फॉर्म में उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाएगा भाई, सिंगुलर फॉर्म में उपयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि लिखा है एनी वन
लिखा हुआ है, उसी से हमको पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म में होगा। इट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा इसके बारे में, और कुछ है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उपयोग किया जाएगा, जो हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन में देखते थे, तो अंदर उसके बारे में देखना नहीं, लेकिन हम उसके सेंटेंसेस जो हैं और पहले वो देख लेते, तो उससे हमको ज्यादा पता चलेगा, सेंटेंसेस पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद में हमको दूसरे बनाने। ठीक है, अब एग्जांपल सेंटेंस में देखो कौन बनाएगा। पहले मैं दो एक सेंटेंस में बता देता हूँ। सपोज तो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक सजेशन लेना चाहता हूँ, इसलिए तो लिख रहा हूँ, वुड यू लाइक ट्यूशन का सेंटेंस, क्योंकि बहुत से शुरू हो गया मतलब ट्यूशन का ही, वुड यू लाइक टू इनवाइट, would you like to invite anyone else yani kisi aur ko bhi in this party, kya is party mein tum kisi aur ko bhi invite karna chahte ho, would you like to invite anyone else in this party, ho gaya sentence, किसी और को भी इस पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो, तो क्वेश्चन में आके वहाँ पर ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेट का मतलब हम लोगों को पता क्या होता है, प्रश्न पूछना, तो ये प्रश्न पूछने वाला अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, एनीवन, क्या यूज कर सकते हैं, एनीवन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, अब देखो कहीं अपने दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, anyone is there who can challenge this logo, क्या कोई वहां है जो इस रोबो को यानी रोबोट के लिए बुलाई है, इसको चैलेंज कर सकता है, एक रोबोट की फाइट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर यही सब चलने वाला है, सारे काम अभी देखो कि मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन कंट्रीज हैं या फिर हॉलीवुड मूवीज के अंदर तो ये सब चीजों के बारे में कॉमन होती है, लेकिन हमारे लिए सब चीज नहीं है कि सर इंसानों के फाइट नहीं है तो रोबोट की फाइट भी करवा रहे हो, एक्चुअली है कुछ मूवीज भी बनी हुई इनके ऊपर बहुत सारी, तो एनीवन इज देयर हु कैन चैलेंज दिस रोबो, कोई है यहाँ पर जो इसको चैलेंज कर सकता है, अगर वो नहीं देखा तो तुम लोग खिलाड़ी मूवी देखी होगी, वहां पे सुमो पहलवान से लड़ने के लिए बुलाता है, है कोई जो सुमो से लड़ सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एनीवन इज देयर हु कैन चैलेंज दिस सुमो, सुमो जापानी जो पहलवान होते हैं मोटे मोटे एकदम मटे करते हैं, उनको बुलाया जाता है सुमो पहलवान, जापान का एक वर्ड है सुमो। ठीक है, तो एनीवन इज देयर हु कैन चैलेंज दिस रोबो, कोई है जो इस रोबो को चैलेंज कर सकता है, अगर ऐसा वो नहीं है तो अपने क्लास में भी कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है ज्यादा ही थोड़ा इंटेलिजेंट है उसके सामने हो सकते हैं, एनीवन इज देयर हु कैन चैलेंज दिस पर्सन, दिस स्टूडेंट जो स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है और उसको नेक्स्ट टाइम पछाड़ कर आगे निकल सकता हो सकता है, ये भी सेंटेंस अपना। ठीक है, तो वो सब चीजें इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर बनाए जाए तो हो सकता है। ठीक है, आगे की बात करें, अब जमाना इंस्टा का है तुम्हारा, तो थोड़ा सा वहां से ले लिया जाए, वुड यू लाइक टू टैग एनीवन फॉर दिस वीडियो, मैं खाली इतना लिखा हूँ एनीवन तक, वुड यू लाइक टू टैग एनीवन, क्या तुम किसी को इसमें टैग करना चाहोगे, कोई पोस्ट की है उस पोस्ट पर हम टैग करते हैं, करते कि नहीं करते टैग, बोलते हम तो इसका निकला सर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन सब चलाता है सबको जानता हूँ। ओके, वुड यू लाइक टू टैग एनीवन, क्या तुम किसी को टैग करना चाहते हो,
ठीक है आगे। अब देखो तीन सेंटेंस मैंने बनाए हैं, एक बार मैं बनाता हूँ उसके बाद में बारी किसके आएगी स्टूडेंट के पास से सेंटेंस लेने की, कौन बोलेगा ये ध्यान रखना अपने माइंड में, अपने अपने सेंटेंस रेडी रखना, अब समय आ गया है ठीक है। चलो यहाँ पर एक सेंटेंस और ले रहा हूँ, एनीवन इज देयर इन योर आई, Who can buy this bungalow? क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बंगले को खरीद सकता है? तो वहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, एनीवन इज देयर इन योर आईज, तुम्हारी नजर में ठीक है क्या? Who can buy this bungalow? Who can buy this old car? Who can buy this something you can add there? तो वहां पर ये इस तरह का सेंटेंस है, तो मेरे को बनाना है। बोलो अब सजेशन तुम्हारे पास लिए जाएंगे। दुश्मन को बोलते हैं, देखो हमारे पास एनिमी भी है, दूसरा एफ ओ ई फो, फो यानी भी होता है एनिमी, दुश्मन ही होता है ठीक है। चलो भाई अब अपने बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की, तो कौन सेंटेंस बोलेगा एनीवन के लिए? है कोई? हेमा खड़ी हो जा। रविवार को जोश नहीं आ रहा तुम्हारे, बोले सब खेलने जाने के, बोल क्या नहीं आता। कश्यप जी बेटा एनीवन के बाद में तुम तरह का नाम बोलता, तुम एनीवन बोल दो किसी जगह पर, उस जगह है तुम्हारी सिस्टर नाम है बोलता है राहुल जी। Anyone is here there who can solve this sum? Yes, anyone is there who can solve this sum? Anyone is there who can solve this sum? यहाँ कोई है जो सवाल को सॉल्व कर सकता है? Anyone is there who can tell me 10 sentences on anyone? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो anyone पर 10 वाक्य बोल सकता है? चलो नेक्स्ट, और कोई बोलना चाहेगा? मनोहर, शिवम, बेटा ये आवाज वाला सुपर नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा इसको अंदर जा रहा है, सर्च हो सकता है, फाइंड हो सकता है। Yes, stand up. Anyone is there with search my book? Anyone is there who had stolen my book? कोई है यहाँ पर जिसने मेरी पुस्तक चोरी की है? बता दो, नहीं तो मैं बात करती हूँ, भी लीगल प्रोसेस। Sir, anyone is there who can? जरूरी है कि मैं anyone is there से ही sentence बनाऊँ, कोई दूसरा नहीं है क्या? ठीक है, कुछ सेंटेंस अपने को मिले हैं, जितने हो अपने बनाकर रखे घर से, इस टॉपिक पर ध्यान रखना। Yes, दोनों में से कोई एक तो बोलना पड़ेगा ना। Can anyone dance like this person? Yes, can anyone like
लाइक ऋतिक रोशन, क्या कोई है जो ऋतिक रोशन की जैसे डांस कर सकता है कोई तुम ऐसे भाई? और भाई हाँ, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ चेंजेस होने चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव हो गया। हेलो और भाई चलेगा। अब देखो यहाँ पर एक यस अंजू कैन ऑफ Anyone is there? Come to stage and speak the one speech. Perfect है। कोई है जो स्टेज पर आए और बोले दो शब्द किस बारे में? गुजरात फाउंडेशन डे के बारे में। अरे अभी नहीं, this time I'm not asking now. तो यहाँ पर मैंने चार सेंटेंस लिखे हैं, बाकी अगर कोई और तुम लिखना चाहते हो तुम्हारे पास सेंटेंस है तो लिखना और मेरे को बताना है, ठीक है? चलो पहले इतना कॉपी कर लेते हैं इस टॉपिक। अब स्टार्ट होगा अपना एनीथिंग, ठीक है? अब एनीथिंग भी क्या है, सेम यही चीज है कि किसके लिए यूज किया जाता है? वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए, और एनीबॉडी नाउन पर्सन के लिए किया जाता है। यस इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए भी किया जाता है भाई, वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी किया जाता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्संस। ये पर्सन के लिए क्योंकि पीछे लिखा हुआ है थिंग, पर्सन के लिए करना था तो क्या था? एनीवन था और दूसरा एनीबॉडी है, ठीक है? इट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। किस तरह से उपयोग किया जाता है भाई? सिंगुलर फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नकारात्मक और प्रश्नार्थ शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। चलो एग्जाम्पल कौन कौन बताएगा? पहले मैं बताता हूँ। Is there anything else? In your pocket? Except your cell phone. You have except cell phone. क्या तुम्हारे पॉकेट में सेल फोन की सेवाएं कुछ और है? तो एक सेंटेंस बन सकता है, इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और भी है किसके सिवाय भाई? एक्सेप्ट, याद है ना वर्ड की लिस्ट? एनीथिंग मतलब कुछ भी एंड कुछ और। ओके, उसके बाद में ये वाला है सबका मतलब सिवाय, इसका
आशा करना, अपेक्षा करना, ये स्वीकार करना, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना होता है। एक जैसे वर्ड सकते हो बोलने में प्रोनाउन शिफ्ट में थोड़ा सा ही चेंज होता है, चेंज होता है, लेकिन लेकिन अर्थ टोटली डिफरेंट होते हैं। अब आगे दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। You cannot hide anything from my eyes. मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपा सकते। You cannot, negative sentence है, you cannot hide, तुम छुपा नहीं सकते anything, कुछ भी from my eyes, मेरी आंखों से, ठीक है। आगे can anything be taken away by you from here? क्या तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे से यहाँ से कुछ ले जाया जा सकता है? एनीथिंग कैन एनीथिंग बी टेकन अवे, कुछ भी है तो तुम सपोज करो बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए कुछ भी है तुम्हारे यहाँ से ले जाया जा सकता है तो ले जाओ, तो उसके लिए यहाँ पर है कि एनीथिंग बी टेकन अवे बाय यू फ्रॉम हियर, जो चाहो ले जाओ, ऐसा बोलना हो ना तब ये होता है एनीथिंग कैन बी टेकन बाय यू। ओके, नेक्स्ट, सी डज नॉट हैव एनीथिंग इन हर पाउच, उसके पाउच में कुछ भी नहीं, खाली पाउच है। ओके, सी डज नॉट हैव, उसके पाउच में कुछ भी नहीं है एनीथिंग इन आर पाउच, उसके पाउच में कुछ भी नहीं है। ओके, सी डज नॉट हैव एनीथिंग इन हर पाउच, उसके पाउच में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस है। अब तुम्हारी बारी, कौन बोलेगा, चलो बताओ। एनीथिंग आना चाहिए, कुछ भी आने की कोई चीज, कोई बताएगा? अंजू खड़ी हो जा। राहुल जी, हो गया, I want something to be हो जाएगा, वो तो मेरे को मिलने को कुछ चाहिए, ये बोलना तो यही चाहता था, हिंदी वही थी ना, तो एनीथिंग वहां यूज नहीं होगा। प्रियंका, अब सबको पता है क्या गलत होने का डर ज्यादा हो गया, लोग गलत पड़े ना इसके लिए, तो बोलने की इच्छा कम हो गई है, लेकिन बोलना है बेटा। सॉरी, एनीथिंग इन द क्लास आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इन द क्लास बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्टेज, स्टेज फियर की वजह से मैं क्लास में कुछ भी नहीं बोल सकता या बोल सकती, बाकी बोलना तो बहुत कुछ होता है। तो ये सेंटेंस बन सकता है, आई कैन नॉट स्पीक इन द एनीथिंग इन द क्लास बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्टेज, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ स्टेज की वजह से, स्टेज के डर की वजह से मैं क्लास में कुछ भी नहीं बोल सकता या बोल पाता या बोल पाती। यस, और कुछ? यस मिस्टर हार्ड, बेटा मैंने क्या बोला कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, आई हैव समथिंग हो जाएगा, अगर तुम बोलना चाहते हो वह सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव नहीं है, आई हैव एनीथिंग, आई हैव समथिंग, फिर तो
मैं ये चीज सिखाना चाहता हूँ कि एनीथिंग का उपयोग कब किया जाता है और समथिंग का उपयोग किया जाता है, ये एक दूसरे के मैं अगर आमने सामने डिफरेंस बना दूं तो तुमको एकदम क्लियर नजर आ जाएगा कि समथिंग का यूज हो रहा है, एनीथिंग का यूज हो रहा है। एनीथिंग नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते वही होगा। अगर तुम पॉजिटिव बोलना चाहते हो तो समथिंग है ना हमारे पास, कुछ है मेरे पास, आई हैव समथिंग, देयर इज समथिंग इन माय पॉकेट, मेरे पॉकेट के अंदर कुछ है। बट एनीथिंग कैसे वहां पॉसिबल है पॉसिबल नहीं, वहां पर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर। और मैंने जब समथिंग सिखाया था तो क्या बताया था कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में ही उपयोग किया जाता है, वहां मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था, दिया था नहीं, तो वहां यही चीजें हम यूज करना नहीं जानते हैं उस चीजों को। समथिंग क्या यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, और एनीथिंग क्या यूज होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और भी कोई टाइप का सेंटेंस होता होगा तो वहां भी एनीथिंग यूज किया जा सकता है। अमन लो, पिंका सॉरी बेटा, यू आर स्पीकिंग ए पॉजिटिव सेंटेंस, इट डज नॉट हैव नेगेटिव, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो दोनों ही चलेंगे, लेकिन यू आर इन पॉजिटिव। यस पार्वी स्टैंड अप, इज देयर एनीथिंग आगे, इज देयर एनीथिंग इन दैट कार, उस कार के अंदर कुछ तो है, ठीक है, तो वहां पे इज देयर एनीथिंग इन द कार, कार में कुछ है ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके विदाउट की लिखना पड़ेगा, बिना चाबी के दरवाजे को खोल सकते हर सेंटेंस को कम्प्लीटली हम सेंस करेंगे तो अर्थ निकल पाएगा। सेंटेंस को कोई भी बनाया जा सकता है लेकिन उसका अर्थ भी तो निकलना चाहिए कोई चीज का, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स, ओपन दिस डोर, विदाउट की, बिना चाबी के दरवाजे को खोलने के लिए कुछ और है तुम्हारे पास या फिर कुछ और है बस इतना भी चलेगा। बिना चाबी के दरवाजे को खोलने के लिए क्या कुछ है तो ये सेंटेंस वहां बन जाएगा। चलो एनीवन एल्स, नो वन इज देयर, यस ओके, उस प्रिया मैडम, अनिल जी आज आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आप बनाने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज योर बुक इज बनाने का ट्राई कर रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा, प्रिया प्रतीक्षा अर्थ नहीं निकल रहा, सेंटेंस का मतलब है कि उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि उचित अर्थ। मनीष बोलो, मीना रितेश Is there anything? मैं उसके बजाय ये सेंटेंस एनीथिंग से नहीं बनेगा, ये नथिंग से बनेगा, देयर इज नथिंग,
यू कैन बाय विदाउट मनी, लेकिन है कुछ चीजें। फिर वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देयर आर समथिंग, या तो देयर इज समथिंग, सेंटर तो बदल जाएगा लेकिन बनाना तो बना सकते, तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। Do you have anything to play this game? इस गेम को खेलने के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ है? Suppose करो someone has suggested you, let's play this game. But suppose करो अपने snake and ladder खेलना चाहते हैं। But you don't have the card of that. अगर उसका कार्ड नहीं है snake and ladder खेलने के लिए अपने पास में, तो can you play? Or without eyes you can play that. तो वहाँ पे ये सेंटेंस फिट हो सकता है। Do you have anything to play this game? और ये एग्जांपल ना ले, हम दूसरा भी एग्जांपल अगर लेते हैं प्ले गेम के लिए, तो देखो If you want to play cricket, you must have ball and bat. अगर ये दोनों चीज नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चन अरेज होता है, Do you have anything to play cricket? क्या क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, ball और bat? Like yes or no? चलो next sentence और कोई बोलेगा। यहाँ positive sentences नहीं हो सकते, इसलिए don't try to make positive sentences. Just try negative or interrogative sentences. देखो अब एनीथिंग में दूसरा हो सकता है, डू यू वॉन्ट टू बाई एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस स्टोर, क्या तुम इस दुकान से कुछ और खरीदना चाहते हो? इसका सेंटेंस मुझे मेरा उठा लिया सर, तुम्हारे दिमाग में मेरी चीज है। ओके डू यू हैव एनीथिंग एल्स, सॉरी डू यू वांट टू बाय एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस स्टोर, ये सेंटेंस हो सकता है कि दुकान से कुछ और खरीदना चाहते हो। यस मिस्टर, डू यू हैव एनीथिंग You cannot anything in playground. Sorry? You cannot anything in playground. Sorry. Sorry, also. What? Do you have anything idea completely? Sorry. Anything cannot be used for abstract noun. मैंने क्या बोला, ये concrete noun जो होगी उन्हीं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। Anything, things क्या तुम्हारे concrete noun है? तो वो संज्ञा जिसको बोलते हैं अपने। Yes. ओके एनीबॉडी के लिए रूल्स सेम यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज है। It is used for persons. It is used for persons. बाकी रूल सेम है, it is used in singular form. Okay. It is used in negative and interrogative sentences. Okay. कहाँ पर यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में उपयोग किया जाएगा, और दूसरा क्या इसके बारे में, ये सिंगुलर फॉर्म में ही उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट सेंटेंस ले रहा हूँ, सिर्फ चेंजेस इतना था तो मैंने वो बता दिया है।
यस हमको यहाँ पे उतार लेना है। अब एग्जांपल सेंटेंसेस की हम बात करें इसके लिए तो क्या हो सकते हैं तो बताइए। इज देयर एनीबॉडी, हु कैन हेल्प मी, क्या वहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, क्या वहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, तो एनी बड़ी आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बात करें किसकी, दूसरा एक सेंटेंस ले। कैन एनी बड़ी प्रूव मी इनोसेंट इन द कोर्ट, क्या कोई मुझे कोर्ट में निर्दोष साबित कर सकता है। कैन एनीबॉडी कोई भी हो सकता है वो, अब कौन सा वकील आता है वो जाने, लेकिन आया तो किसी व्यक्ति के लिए ही है ना ये। ठीक है, आगे और कोई सेंटेंस ले तो क्या हो सकता है, है कोई, देखो है। Is there anybody who can dance on the stage? क्या यहाँ कोई है जो स्टेज पर डांस के लिए आ सकता है या डांस कर सकता है? ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस काम बनाए जाते हैं, anybody के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन देखो इस सेंटेंस में सब इंट्रोगेटिव या तो नेगेटिव सेंस में होने जरूरी है। अगर वो नहीं है सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में इनको यूज नहीं करना है। पॉजिटिव लिए इनका जैसा सेम है, मतलब क्या समबड़ी, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पर यूज क्या होगा, एनीबडी की जगह पर समबड़ी यूज होगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो वहां पर यूज होगा एनीबडी। ओके क्लियर, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नॉन एसेंटिव का लास्ट जो है आइदर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइदर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइदर क्या बताना चाहता है, आइदर का मतलब क्या है तो ये जान लो। आइदर मतलब या, आइदर और मतलब या तो या, आइदर और उनका तो क्या हो जाता है या तो या, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ आइदर है तो क्या लिखना है या। ठीक है, या भी या तो, और चूज किसके लिए किया जाता है, अगर ये किसके लिए किया जाता है चॉइस के लिए, किसके लिए चॉइस के लिए, आइदर इज यूज फॉर टू इंडिकेट द choice in positive sentences but it does not give a complete idea of positive. पॉजिटिव सेंटेंस की तरह उपयोग किया जाता है, पॉजिटिव में उपयोग किया जा सकता है कभी कभी या मोस्ट ऑफ भी, लेकिन ये पॉजिटिव का कंप्लीट आइडिया, ये नहीं बोलता कि ये 100% पॉजिटिव ही होगा, वहां पर एक कंफ्यूजन इल्यूजन पैदा करता है, क्या करता है भ्रम पैदा करता है कि ये पॉजिटिव में या इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, क्यों, वहां पर चॉइसेस अवेलेबल होती है, क्या होती है, अगर चॉइसेस अवेलेबल होगी तो तुम्हारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है। किस तरह से इसके एग्जाम्पल होंगे तो देखना, ये नॉन एसेटिव है ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, या क्लियर,
अब थोड़ा सा इसको आगे सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंसेस में क्या होगा? Either you or your brother. Can come with me. या तो तुम या तुम्हारा भाई मेरे साथ आ सकता है, लेकिन दोनों नहीं। या तो तुम या तुम्हारा भाई मेरे साथ में आ सकता है, लेकिन दोनों के लिए यहाँ नहीं बोला। दोनों के लिए क्या कर दिया? आइदर ऑर्डर दिया यहाँ पर, यानी कि दोनों में से चॉइस दी है, या तो तुम आओ या तो तुम्हारा भाई आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यू कैन डू आइदर बीकॉम और बीबीए आफ्टर 10th कॉमर्स। ट्वेल्थ कॉमर्स कर लिया, पास आउट हो गया, आपका दिन तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, या तो बीकॉम कर लो या बीबीए कर लो, और भी ऑप्शन है, बट हियर आई हैव टेकन ओनली टू, बीकॉम और बीबीए। यस और नो? अब बात करते हैं आगे। We can choose either arts or commerce after 12, sorry after 10. दसवीं के बाद में या तो arts ले सकती है या commerce ले सकती है। Looking at the result, साइंस की बात नहीं की है, स्ट्रीम होती है तो आइदर आर्ट्स और कॉमर्स है ऑप्शन। यहाँ पर चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ चॉइसेस अवेलेबल होती है वहीं पर क्या होता है, आइदर और का उपयोग किया जाता है, चॉइस के लिए ही होता है। इसके लिए दूसरा एक सजेशन के लिए है, लेकिन चॉइसेस वहां भी है। यू से आइदर यू शुड गो आइदर कैनेडा और यूएसए फॉर फर्दर स्टडीज, और तुमको आगे की पढ़ाई के लिए या तो कैनेडा जाना चाहिए या तो यूएसए अमेरिका जाना चाहिए। Yes or no? ये हमारे आइदर के सेंटेंस हो गए हैं, जो कि है तो सब मोस्ट ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन कहीं भी कंप्लीट पॉजिटिव का भाव नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि चॉइसेस आर गिवन देयर, तो एक में पॉजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि हम देखो यहाँ कहीं भी नेगेटिव और इंटरगेटिव भी दिख रहा है, लेकिन मैंने क्यों इनको नॉन एसेटिव में लिखवाया, उसका कारण अब बता रहा हूँ। आइदर यू, अगर तुम आओगे तो दूसरे पर रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ना का भाव हुआ कि नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा तो एक को ना होगा ना। कृष्णा लुक एट द बोर्ड, यू कैन डू आइदर बीकॉम और बीबीए। अब दोनों ही थोड़ी करेगा कोई व्यक्ति, या तो बीकॉम करेगा या बीबीए, एक करेगा तो दूसरे को ना होगा, यानी कि कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है ये। पॉजिटिव के साथ में क्या है, एक को रिजेक्शन भी है, इसके लिए हमने इसको क्या लिया है, आइदर को नॉन एसेटिव है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, लेकिन क्या है, नॉन एसेटिव, इल्यूजन वहां पर है। ठीक है, तो शी कैन चूज आइदर आर्ट्स और कॉमर्स, तो आर्ट्स लेगी तो कॉमर्स को छोड़ना पड़ेगा और कॉमर्स लेगी तो आर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। सैम यू शुड गो आइदर कैनेडा, ये तो कैनेडा जाएगी तो यूएसए, दोनों साथ में तो नहीं हो सकता ना, तो ये आइदर और ये हमारे इसमें नॉन एसर्टिव का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? बस इतना कॉपी करना है और सेंटेंस इसके बारे में बोलना चाहते हैं वो बोल दिए। आइदर यू रीड हिंदी और इंग्लिश स्टोरी बुक।